सितंबर में ली थी भाई अपनी वर्टस 1.5 GT और फिलहाल ये चल चुकी है 30,121 किलोमीटर, यानी जो इसकी 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस है आज वो ड्यू हो चुकी है। गाड़ी में जो है फिर से सेम दिक्कत जो है मेरी आनी शुरू हो रखी है। अब फिर से इसको अब सर्विस पे लेके जा रहा हूँ और देखते हैं अब वो दिक्कत ठीक होएगी नहीं होएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि भाई मेरे को जानना है कि ये दिक्कत स्लाविया में है, मतलब स्लाविया 1.5 में है या नहीं है, या वर्टस में है या नहीं है, और अगर है तो आप उसको कैसे जो है सॉल्व कर रहे हो। मैं तो भाई मेरे समझ से ही बाहर है वो दिक्कत। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। भाई 1,00,000 भाई जो है हमारे साथ जुड़ रखे हैं भाई, उसका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। उसकी वीडियो जो है एक अलग आएगी, मतलब मैं थोड़ी एक अलग शूट करने वाला हूँ। ये बस यही अभी लेटेस्ट शूट कर रहा था मैं, तो इसलिए मैं चलो भाई भाइयों को थैंक यू बोल दूँ कि अभी तक मैंने कोई वीडियो पुरानी ही डल रही थी। तो फिलहाल जो है भाई अपनी गाड़ी की जो है फिर से सर्विस ड्यू हो चुकी है। इससे पहले मैंने सर्विस वो इंजन ऑयल जो है वो टॉप अप करवाया था, अब जो है 30,000 चल गई, तो यानी इसकी सर्विस जो है वो ड्यू हो रखी है। अब इसकी जो है ना हर 15,000 किलोमीटर पर होती है, जैसे मैंने 15,000 किलोमीटर पर कराई, अब जो है 30,000 किलोमीटर चल चुकी है तो सर्विस भी हो रखी है। और इस सर्विस में मेरे को इस गाड़ी में बहुत सारा जो काम है वो करवाना है। पहला बताऊं क्या है, ये देखना अभी मैं जैसे थोड़ा खोल लेता हूँ, मेरे को लेने हैं ब्रेक, देखना अभी। ब्रेकों में से आवाज आती है, अरे जो आवाज़ है ना वो लिक्विड जैसी सी और एक बहुत अजीब सी आवाज़ है, मतलब जैसे है ना कुछ पानी सा लिक्विड सब ब्रेक पैड में ही घूम रहा हो, और चू चू आवाज़ जैसे सीटी जैसी सी आवाज़ आती है। मतलब भाई मेरे को इतनी गंदी आवाज़ लगती है ना, ये पूछो मत। मतलब मैं कहीं यार हाईवे पे आने लग रहा हूँ, या जैसे हम लोकल में भी चल रहे हैं कहीं पे कोई ब्रेकर ब्रेकर आ जाए और एकदम से हम ब्रेक मारे ना, बहुत इरीटेटिंग है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, और जो इनका कैलिपर्स का कलर था भाई, ओए होए यही नहीं बच रखा भाई। ये रेड कलर के कैलिपर्स आते थे पीछे के जो ड्रम ब्रेक्स थे, ये तो मेरे थे ही ब्लैक। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है माई 11 सर्कल ऐप। अगर एक्साइटिंग क्रिकेट और सुपर एक्साइटिंग प्राइसेस का शौक है तो आपके लिए इस वीडियो में एक मौका। कैसे? माई 11 सर्कल फैंटेसी ऐप पर। सर्कल एक लीडिंग स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ढेर सारे प्राइसेस जो है जीत सकते हैं। अब देखो इंडियन T20 लीग जो है स्टार्ट हो रही है और माई 11 सर्कल पे आपको जीतने का बहुत बड़ा मौका है। यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट जीतने का सेकंड प्राइज है 1 करोड़ रुपए। और पता है क्या, ये यहाँ पे सेकंड प्राइज है, फर्स्ट प्राइज तो खुद आप पर देखो कितना होगा। आपको हो गया कि यार अलावत भाई ये बताओ कि एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कैसे करें? आप डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में से मेरा लिंक जो है क्लिक करते हो तो आपको मिलेगा 5,000 रुपए का कैश बोनस। किसका वेट कर रहे हो, अभी जाके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। वीडियो को एंड करने से पहले मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो अभी जाके डाउनलोड करना, भूल मत जाना, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और बिल्कुल पापड़ी अंदर तक निकला है भाई, पेंट भी जो निकला है अब ये मेरे को नहीं पता। और ये देखो डिस्क में कैसी लाइनें पड़ रखी हैं, ओ तरीके गरम था भाई। और अब आपकी मेरे भाई हैं कमेंट मारेंगे, भाई आप रफ चलाते हो, आप ऐसे चलाते हो वैसे चलाते हो। भाई एक तो मैंने ड्रैग ही ख़त्म कर दी, बिल्कुल मैंने ड्रैग नहीं करी है इस गाड़ी के साथ कोई भी। और भगाने का क्या है भाई, अब कौन नहीं भगाता, गाड़ी ले रखी है तो भगाएंगे ही। मेरे घर में पहली थोड़ी गाड़ी है ये जो मैं भगाने लग रहा हूँ, मैं तो घर में और इतनी गाड़ी में तो सारी भगा दोस्तों की यारों की सबकी भगा रखी है इतनी, उनके तो ब्रेक पड़ नहीं जाते इतने, तो मेरे को ब्रेक्स का इनका वो है। अच्छा जैसे होता क्या है, हर बार देख रहा हूँ मैं, मतलब सेम पीरियड पे जैसे होता क्या है, 4,000-5,000 किलोमीटर ये चल जाती है ना गाड़ी, उसके बाद इसके ब्रेक है ना और अंदर तक जाने लग जाते हैं जब ये चूचू आवाज़ शुरू हो जाती है। क्या खर्चा आता है वो भी बता दूँगा, पर मैंने जैसे आपको पता है सर्विस पैकेज ले रखा है 27,000 रुपये का था 4 साल का, जिसमें 4 सर्विस फ्री है, मतलब एक तरह से 60,000 तक किलोमीटर की जो सर्विस है लेबर के साथ वो मेरी फ्री है। पर जैसे कोई और काम होता है, ब्रेक पैड चेंज होने हैं, कुछ और डिस्क वगैरह होनी है, वो मेरे को जो है उसका पे करना पड़ेगा। तो मैं फिर भी एस्टिमेट ले लूँगा कि अगर जिसने पैकेज नहीं ले रखा उसका क्या खर्चा हो सकता है। तो फिलहाल हूँ मैं रोहतक में ही, यहीं पे जो है वर्कशॉप है VW रोहतक की, चलते हैं वहीं पे।
लो भाई आ गए फॉक्सवैगन रोहतक में, यहीं अपनी गाड़ी की पीडीए भी करने आया था, यहीं से हमेशा हमारी पूरी सर्विस जो है वो होने लग रही है गाड़ियों की। फिलहाल जो है पूरी गाड़ी का एक बार चेकअप हो चुका है, एस्टीमेट तो क्या ही था, सर्विस पैकेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ लगना नहीं है। पर मैंने ना अभी ये ब्रेक पैड्स तो एक बार क्लीन करवा दोगे ना, क्लीन करवा देंगे उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। और इसका ये बता रहे हैं कि मतलब ये तो नॉर्मली एक तरह से पेंट ही है तो ये तो उतरना ही है, इससे पहले इतने किलोमीटर चलने रखी है। गर्म होने के बाद पानी लग वगैरह लगता है ना, ये देखो कितना हार्ड वर्क है, उतर जाता है ये उतर रहा है ये देखो, जैसे गर्म होते हैं और पानी वगैरह लगता है तो उस टाइम उतर जाता है, हो सकता है भाई क्योंकि चलती बहुत है ये। 30,000 किलोमीटर वाली पहले तो नहीं आई ना अभी, मैं ही यार इतना ही खींचता हूँ जो गाड़ी को, तो यही है भाई फिलहाल, इस पर अब सर्विस पे दे देते हैं। 12:04 हो रखते हैं, देखते हैं कब तक जो है गाड़ी मिलेगी और इसका भी सोल्यूशन जो है वो क्या निकलेगा। ये देखो भाई यहाँ से कलर उतर रखा है इनका, ये कलर था ऐसा कलर बिल्कुल लाल कलर का, और अभी ऐसा हो रखा है वही है, वो कह रहे हैं कि अब गर्मी शुरू हो रखी ना, हीटिंग वीटिंग और आपकी गाड़ी भी बहुत चलती है तो कुछ टाइम के बाद ही इतना तो होना ही था। तो फिलहाल जो है ब्रेक पैड्स और जो डिस्क थी दोनों रेक मार्क से मतलब एक घिसवा दी, मतलब एक ऊपर का जो परत होती है मिट्टी विट्टी की धूल की जो भी एक कार्बन कुछ भी कह लो जो भी होता है वो अब हट चुका है इस पर से, ब्रेक्स बढ़िया हो गए होंगे। भाई साहब यार सर्विस हो गए तो गाड़ी की चाल ही बदल जाती है, खड़ी रुक रही है तो गाड़ी नॉर्मल, मतलब जो ब्रेक्स जो मेरे को चेक करने थे ना सही लग रहे हैं ब्रेक टाइट हो रखा है वो पेडल जो है ना ब्रेक वाला। ये आ गया भाई, अब मेरा तो सर्विस पैकेज था तो कोई बिल मेरा लगा ही नहीं है, देख लो 30,000 किलोमीटर सर्विस इंस्पेक्शन ऑयल चेंज वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने जो उसमें होती इंक्लूडेड, 30,000 किलोमीटर सेकंड ईयर, मतलब ये मेरी जो दूसरे साल में होनी थी ये मेरे पहले साल में ही होगी है, क्योंकि एक तरह से 60,000 किलोमीटर तक की जो सर्विस है वो मेरी फ्री है। एक चीज़ मैंने और गाड़ी में कराई थी, एक तो मतलब जैसे ये ब्रेक्स जो है वो तो रेक मार्क से उन्होंने प्रॉपर जो है एक बार बढ़िया कर दिए थे, एक चीज़ मैंने और कराई थी वो मैंने क्या कराई थी कि जैसे हम बूट खोलते हैं ना तो वो थोड़ी बीच में रह जाती थी, तो अब देखना सीधी वहीं जाके रुकेगी, मतलब बीच में पहले लटक रही थी ऐसे 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 झूल रही थी, तो वो भी मैंने ठीक करा दी उन्होंने, पता नहीं ये खोल के यहाँ से अंदर से कुछ वो निकाला और वो वापस थोड़ा टाइट सा करा और वो काम जो है अपना हो गया था। मेरी एक ही गाड़ी पे लग रखे थे सुबह से, मतलब मेरे को ना बहुत खुशी होती है जब कोई बहुत तसल्ली से मेरे गाड़ी पे कोई काम कर रहा हो ना, क्योंकि ये जो काम होता है ना भाई बहुत देख वेख के वैसे करना पड़ता है, और मेरी गाड़ी आपको पता है भाई जब इतनी चलती है, और ये खुद कह रहे थे कि हमारे पास पहली ही आई है तो कह रहे थे कि अभी तो आपकी जैसे डिस्क वगैरह भाई हो ही जाता है, 30,000 किलोमीटर थोड़े थोड़े होते हैं यार, 6 महीने में बहुत हो जाते हैं, चलाने को लोग बहुत चलाते हैं, पर मेरी रनिंग के हिसाब से गाड़ी अभी तक परफॉर्मेंस सही है ओवरऑल। अब ब्रेक जैसे हुए हैं, अब आपको मैंने जैसे दिखाया था ब्रेक मार के सही हो रखी हैं, तो गाड़ी में फ़िलहाल अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डन हो चुकी है। पर हाँ जैसे मेरे पास है ना इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि ये जो ब्रेक वाली दिक्कत है इसमें क्या करें, तो जो मैंने करवाया है ना आप उसको एक बार रेक मार्क से डिस्क को और जो ब्रेक पैड्स हैं उनको निकलवा के एक बार साफ़ करवा लेना, फिर ये आवाज़ जो है ख़त्म हो जाएगी और ब्रेक पैड सही हो जाएंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखिए, इसको लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सर्विस तो करा ली, कहीं ट्रिप पर निकलना पड़ेगा, चलते हैं, कहाँ चलें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, बाय।